अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे और मार्केट के पंप को एंजॉय कर रहे होंगे। लाइव सेशन हमारा 11 बजे का शुरू हो चुका है और जनाब इसका जो लिंक है वो ज़रा शेयर कर दो यार टेलीग्राम के ऊपर। एक मिनट, इसका जो लिंक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? सिग्नल प्लीज भाई, आप लोगों से रीट्वीट तो हो नहीं रहा, फिर फायदा क्या है सिग्नल का? भाई आप लोगों को क्या कह सकता हूँ यार, क्या कह सकता हूँ। देखो भाई, ये ट्वीट मैंने की है, इस पे चाहिए हमें 111 रीट्वीट्स। ठीक है, इस पे जितनी जल्दी आप लोग रीट्वीट्स करेंगे उतने जल्दी आप लोगों को सिग्नल मिलेंगे। जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं और जो मेरे ओकेएक्स पे इनर सर्कल है वो तो भाई मजे कर रहे हैं, वो इस पंप से फायदा उठा रहे हैं। और कल से जब से मैंने वो अनाउंसमेंट की है अभी तक मार्केट के अंदर सिर्फ अप ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, और उस अनाउंसमेंट पे आप लोग देख सकते हैं भाई, ओकेएक्स पे सिग्नल प्लीज। हाँ, ओकेएक्स का ही सिग्नल मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने ये जो है ना लिंक जो दिया हुआ है ये आप लोगों ने रीट्वीट करना है। सर क्या है मसन के नाम से? ओके ओके भाई, इसको 100 रीट्वीट करना है, दबा दबा के सब रीट्वीट करो तो सिग्नल मिलेगा। सीधी सीधी बात है, वरना ओकेएक्स के सर्कल में मिलेगा और वीआईपी मेंबर्स को मिलेगा लाइव सेशन के अंदर सिग्नल। ठीक है जनाबे अली, मैं आपके लिए जो सिग्नल निकालना है, एक मिनट रुको जरा, गिव मी अ मोमेंट ताकि आई कैन डबल चेक, क्योंकि मुझे दो तीन कॉइन्स आज मैं सोच रहा था आप लोगों को, ठीक है, कि दूंगा, लेकिन आप लोग जो है वो भाई प्यार दिखाते ही नहीं है, क्या क्या कह सकता हूँ मैं। कल से आई एम टेलिंग यू गाइज, मार्केट इज गोना पंप और वैसे ही हुआ है। ठीक है, और आला आला किस्म के मजे आए हुए हैं। भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, लाइव सेशन शेयर कर दो यार, लाइव सेशन शेयर कर दो, शेयर कर दिया, बेहतरीन काम हो गया, थैंक यू वेरी मच, आला काम, आला काम। अच्छा भाई ऑन चेन एनालिसिस सिखा दे। भाई आप लोगों को पहले जो सिखाया आप लोग वो तो सीखते नहीं हो। ऑन चेन एनालिसिस पता है क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कुछ, जहाँ कर कुछ रहे हो गए, देख कुछ रहे हो गए, बोलोगे असद भाई ये क्या ऑन चेन एनालिसिस है। आप लोगों को आज तक जो सिखाया आप लोग वो तो सीखते नहीं हो सही से। मेरी तो समझ से बाहर बात ये है कि आप लोगों को बोलता हूँ चुपचाप बैठो, इतना पैनिक, इतनी टेंशन, इतनी टेंशन के बंदा नहीं भाई, इस तरीके से सीखना नहीं होता, इस तरीके से आप सिर्फ पैनिक करोगे, नथिंग विल हैपन। ठीक है, तो बराए मेहरबानी रेडी हो जाओ, जल्दी से रीट्वीट कर दो, रीट्वीट कर दो, 100 रीट्वीट चाहिए, 111 रीट्वीट चाहिए अगर तो आप लोगों को सिग्नल चाहिए। ओकेएक्स का सिग्नल है, जल्दी से आ जाओ ओकेएक्स के ऊपर, और सोलाना कर रहा है पंप, इससे पहले ज्यादा पंप करे जल्दी से आ जाओ ओकेएक्स। पता नहीं कुछ इशू है यार, आप लोगों के चक्कर में ना जो चीजें निकलती है ना, बस इनका मसला होता है, बाकी तो सब फेयर है। अच्छा भाई मैं मार्केट अपडेट दे दूं, मार्केट अपडेट में ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, विद इन फ्यू डेज हमें ब्रेकआउट और सारी चीजें निकलने वाली है। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था हाई वोलेटिलिटी होगी, वही हुआ है फ्राइडे को, आज ऑब्वियसली जुम्मा था हमारा, और जुम्मे के दिन हमें मार्केट के अंदर पंप देखने को मिला है। एक प्रेडिक्टेड था जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, वही सारा सिनारियो हमारे हमारे पास प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि एक समझो मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, याद है कि कल हमारे पास जो कैंडल है ये ऊपर की क्लोज होनी चाहिए, तो वही हुआ है। इतनी ऊपर तो खैर ऐसे नहीं हुई, लेकिन इट्स स्टिल प्रिटी गुड। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट जो हुआ है हमारे पास, ये मजीद यहाँ से पंप आएगा, इजी पीजी पंप आएगा, इसके अंदर हमारे पास आल्ट कॉइंस बहुत ज़्यादा पंप करेंगे, ये याद रखिएगा। तो अगर आल्ट कॉइंस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो ये याद रखना कि आल्ट में आपने अच्छे खासे प्रॉफिट पे ही निकलना है, छोटे मोटे प्रॉफिट पे नहीं निकलना।
ठीक है, छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलोगे तो फिर मसला होगा, क्यों फिर आप डिप का वेट करोगे, फिर डिप मिलेगी नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से मार्केट में एग्जिट करना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब दोबारा अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा लेवल पे हमें सेल करना है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि 27,777 डॉलर्स का जो लेवल है उसके नीचे BTC को अगर आपने सेल करना है, थोड़े बहुत पार्ट में करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। लेट से अगर आपने एक पार्ट पे सेल करना है तो यहाँ पे 26,666 डॉलर का टारगेट रख के आप इसको चल सकते हो, ठीक है भाई। इस ट्वीट को 111 मरतबा रीट्वीट चाहिए ताकि आप लोगों को अगर सिग्नल मिले, तो भाई ये जो रीट्वीट, ये जो ट्वीट है ना, इसको चाहिए ऊपर 111 रीट्वीट्स चाहिए। 93 हो चुकी हैं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हो। ये जो है मैं आप लोगों के, जहां आप लोग चैट देख रहे हो यहीं पे आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। मंथली ग्रुप भी VVIP है, बिल्कुल भाई VVIP ही है, वही VVIP ही है मेरे भाई, VVIP ही है। BTC की टारगेट क्या होने चाहिए ऑन दिस पम्प, ये मैंने अभी अभी बता दिया मार्केट अपडेट में। सबका भाई असद भाई, असद भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉट बेस्ट अपॉर्चुनिटी सपोर्ट, हाउ मच डॉट कैन रिट्रेस मैक्सिमम, वी आर स्टिल ऑन अ गुड लेवल यार, यहाँ से तो पंपिंग ही है, मतलब यहाँ से नीचे कहाँ जाएगी मार्केट। मैं आपको ये जब बात कहता हूँ ना कि यहाँ से नीचे कहाँ जाएगी मार्केट, तो आप सपोर्ट देखना शुरू कर देते हो, ये नहीं देखते कि मार्केट अभी कितनी बड़ी सपोर्ट पे खुद ऑलरेडी बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ के नीचे जाके क्या खत्म होना है मार्केट ने, मेरे तरफ से ये सवाल बनता है। अगर यहाँ पे अगर मार्केट ने दबाव बर्बाद होना है, कितना होगी मार्केट बर्बाद, मुझे तो ये बताओ आप। मैंने फंडामेंटल्स का सारा आपको चक्कर बताया है भाई, इस रीट्वीट को जल्दी जल्दी 111 रीट्वीट्स कर दो ताकि आप लोगों को सिग्नल मिले, वरना मैं जा रहा हूँ सिग्नल पोस्ट करने, ठीक है। और सिग्नल पोस्ट होने वाला है VVIP में, अंटिल और अनलेस 111 रीट्वीट्स यहाँ पे हो जाए हमें, ठीक है ना भाई, सीधी सीधी बात है। अगर आप लोग जो है करते हैं तो सिग्नल फ्री में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ना वीडियो लाइक करते हैं आप लोग, ना रिट्वीट करते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं चल सकता भाई। अच्छा जी, क्या है, क्या सोलाना जो है ना, सोलाना OKX का सिग्नल है आप लोगों को मिलने वाला है, ये VIP में मिलेगा, ये इनर सर्कल में भी नहीं मिलेगा सिग्नल, इट्स ओनली अ VIP सिग्नल, अभी से बता दिया है, ठीक है। पांच पांच जगहों रिट्वीट, इतनी एक्यूरेसी कैसे है, बस भाई यही तो बात है। फिर भी आप लोग जो है ना वो रिट्वीट करते नहीं है, ये बात थोड़े मसले की है, फिर भी आप लोगों को रिट्वीट में मसले होते हैं, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा भाई, तो VIP मेंबर्स में से कौन कौन देख रहा है, जरा मुझे ये तो बताओ, जितने भी VIP मेंबर्स अगर यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, नंबर वन कमेंट कर दो जल्दी से, ताकि मतलब मुझे पता चल जाए कि भाई VIP मेंबर्स जो हैं वो देख रहे हैं, और VIP मेंबर्स को जो है ना
सिग्नल मिलने वाला है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। एक्स वीआईपी, अच्छा वीआईपी मेंबर्स आप लोग रेडी हो जाओ यहाँ पे, 1 मिनट रुको। रेडी 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 रेडी, अभी वीआईपी मेंबर्स के मुझे मैसेज चाहिए जल्दी जल्दी। नंबर 1 मैसेज, नंबर 1 कमेंट करें जल्दी जल्दी। अगर आप वीआईपी मेंबर है जल्दी जल्दी जो है वो नंबर 1 कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए भाई वीआईपी मेंबर्स देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये ओके एक्स का स्पॉट का है। 1 मिनट रुको, ये आपकी एंट्री हो गई 7। चलो भाई 7.7 चलो भाई जरा आप लोग जो है तमाम जो वीआईपी मेंबर्स देख रहे हैं ना, ये तमाम वीआईपी मेंबर्स से दरख्वास्त है कि जरा प्रीमियम मेंबर फेसबुक का ग्रुप चेक कर लो, और अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो तो डिस्कॉर्ड वाले भी हजरा चेक कर लें। उन सबको जो है सिग्नल मिल गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये आपका अल्लाह वाला करे 111 रीट्वीट्स हो जाएंगे, वैसे ही आपको यहाँ फ्री में भी मैं वही सेम चीज़ दूंगा, सही सेम चीज़ आपको वहीं पे मिलेगी। लेकिन आपने जो है वो करना है वहां पे, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, आपको मिल गया है। डिस्कॉर्ड में भी डाल दिया मैंने, और मैंने जो है वहां पे भी डाल दिया है फेसबुक पे। तो वीआईपी मेंबर्स आप लोगों को सिग्नल मिल गया होगा सर। मोस्ट सेल, मोस्ट पार्ट्स के अंदर सेल करो, पार्ट्स के अंदर सेल करो। $350 पड़े हैं स्पॉट में, कहाँ डालूं प्लीज बताओ। वीआईपी मेंबर हेयर विद लव। असद भाई आपने पता ही क्या करना है, आपने देखो कभी भी एक एक्सचेंज पे फंड नहीं रखते, ठीक है? तो $300 है ना, 300 आप 100 100 करके। अब मुझे नहीं पता आप भाई फेड एस पे डाल दो अगर फ्यूचर्स करते हो, बाकी का ओके एक्स पे रख लो, सीधी सीधी बात है। 50-50 कर लो, ठीक है? या $50 आप लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स खरीद लो कुछ, वो मेटामॉस में डाल दो खरीद के। समझ आ गई बात? पार्ट्स के अंदर बाइंग करते हैं, पार्ट्स के अंदर सेलिंग करते हैं, कभी भी एक जगह पे सारे पैसे नहीं लगाते। समझ आ गई ये बात? तो ये वाली चीज है। 99 हो गए। चलो भाई मैंने एनालिसिस दे दिया है, सिग्नल दे दिया है। इफ यू आर नॉट गोना लाइक और रीट्वीट मोर लाइक, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ द लाइव सेशन। प्यारे मेंबर्स आप लोगों के कोई सवाल हैं तो सवाल पूछ लो। अच्छा भाई मेरा जवाब दे दो, LRC कॉइन का कुछ बता दें। क्या बता दूं, मैंने इसका देखा नहीं। हर कोई अपने लिए कमाने में लगा हुआ है, कोई किसी का भला नहीं चाहता। भाई आपने रीट्वीट किया है, आप ये बात करने से पहले आपका ये जवाब दो। कर दिया ऐसे भाई रीट्वीट। भाई मोर देन 108 पीपल आर वॉचिंग, यहाँ पे 12 रीट्वीट हो नहीं पा रहे, तो ये क्या कोई बात तो है ना। जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये रहा, ये लो ये लिंक दिया हुआ है, पिन भी हुआ हुआ है जहाँ पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, जहां पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं वहां पे आप लोगों ने रिट्वीट करना है, बात खत्म। इसमें क्या मसले की बात है? ठीक है, बिटगेट में रखे हुए तो यार बिटगेट के मसले होते हैं उसको। मैंने खुद, मैं ओके एक्स पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बात सुनो, पैसों की बात होती है ना तो मैं चला जाता बिटगेट के पास। मैं आपको ये हकीकत सच बात बता रहा हूँ, पैसों की बात होती है बिटकॉइन के पास चला जाता, पैसों की बात होती है ना मैं बायबिट के पास चला जाता। लेकिन जहां पे विक्स लगती है, जहां पे विक फिशिंग होती है, जहां पे मुझे डाउट होता है ना, मैं वहां से दूर रहता हूँ। आपको बात समझ आ रही है? RSI ओवरसोल्ड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 1 घंटे की RSI से थोड़ी कंसोलिडेशन होगी, पता चलेगा वापस सही हो जाएगा, खल्लास। आपको पता भी नहीं चलेगा मार्केट कब से कब, आप पकड़ नहीं पाओगे। मार्केट इस तरीके से पंप करेगी आप पकड़ नहीं पाओगे। समझ आ रही है बात? तो ये वाली बात है। अच्छा
रीट्वीट आपको तो जैसे अनफॉलो करके फारिग करो ना यार, क्यों फॉलो करो? यू कैन जस्ट अनफॉलो मी, सिंपल सिंपल सी बात है। अच्छा भाई वो की ट्रेड में स्टक हूँ, क्या करूँ? होल्ड रखो, वो अच्छा प्रोजेक्ट है, जाएगा ऊपर। आबिद भाई बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, वेरी डिसअपॉइंटेड भाई, वेरी डिसअपॉइंटेड। आप भी, मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपने रिट्वीट किया है? आप जो फालतू की बात कर रहे हो, आपने किया है कुछ? नहीं ना, फारिग हो जाओ। हाँ फारिग हो जाओ। अबे भाई लोगों के पैसे बन रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को इनर सर्कल में मैं फ्री में लेके आ रहा हूँ, फ्री में। कोई उसका एक पैसा नहीं लिया आपसे, जो इनर सर्कल वाले हैं ना बेटा। जब कल आप, मैंने अनाउंसमेंट डाली है, इनर सर्कल वालों से पूछो, जो 90-100 लोग इनर सर्कल के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है, 900 लोग जो है वो इनर सर्कल के अंदर भी मौजूद हैं, और उन लोगों ने पैसे बनाए कल जो मैंने अनाउंसमेंट की है। एक पैसा उनसे लिया हूं मैंने, पैसे बना रहे लोग। भाई आप लोगों को किसने बोला आप फॉलो करो? नहीं करो, अनफॉलो करो। ये फ्री में किसके लिए किए? फायदा इससे सबने उठाया। मसला ये, फायदा लोग उठाते हैं, प्यार दिखाने में ना उनके मसले आते हैं, तो भाई मैं क्यों करूं? व्हाई शुड आई डू एवरीथिंग फॉर फ्री? सीधी सीधी बात ये बात है ना, आप लोग जरा सी अपनी प्यार नहीं दिखा सकते, जरा सी सपोर्ट नहीं दिखा सकते, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर यू गाइस ना? और फिर ये फालतू के इस तरीके से मैसेज आते हैं, अबे भाई गेट लॉस्ट। मैं पागल बैठा हुआ हूँ यार यहाँ पे, क्या आप लोगों से दो रीट्वीट के यहाँ इस तरीके से बोलना पड़ता है? आपका खुद दिल नहीं करता, आपको खुद दिल नहीं करता कि यार ये बंदा दिन रात कर रहा है, दिन रात मेहनत दे रहा है, मैं फ्री में आप लोगों को इतना कुछ दे रहा हूँ, कोई एक मुंह भी नहीं लगाता यार आप लोगों को, आपको फिर भी एहसास नहीं होता है? मतलब बेगैरती की एक हद होती है, इसको तो फारिग करो यार। ये कौन था अजीब, मतलब भाई आईडी में स्टक हूँ, 0.5 तक जा सकता है, होल्ड रखो। एक $2 का टारगेट रखना है इसको। इस तरीके से कोई भी बंदा, मुझे एक बात, मैं आपको मुझे एक बात बताओ, ऑल इन वन भाई आपने, ये मुझे नहीं पता आप किसकी किसी और को फॉलो करते हो नहीं करते। बहुत सारे लोग मुझे पढ़ता है, 2-4 लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं, जिसमें जिसमें इंडियन फॉलोअर्स भी हैं, जिसमें गोरे भी हैं। गोरे तो खैर उनका तो अपना लेवल ही है, वो तो उनकी तो फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज की, मेरे ख्याल से लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक चीज होती है। खैर बहरहाल पॉइंट इज के आप लोग जो है ना, मसला ये, आपको कोई इस तरीके से जवाब देता है? मैं आईडी का, मैंने आप लोगों को पहले वीआईपी मेंबरशिप में बताया, लेकिन जब उससे यहाँ पे लोग पूछने लगे, मैंने बोला यार होल्ड रखो $1 तक। वो $1 तक प्रॉफिट दिया है उसने, 44 सेंट पे बैठा हुआ था, फिर वो $1 पे गया। अभी मैंने जिस तरीके से बोला है $2 तक इसको होल्ड रखो, कोई एक बंदा, कोई एक भी बंदा आपका इन्फ्लुएंसर आपको इस तरीके से वन ऑन वन कभी जिंदगी में जवाब नहीं देगा बेटा, ये याद रखना ठीक है? आपको मैं अपने भाइयों की तरह समझता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, सारी चीजें। फिर ये जब डिसअपॉइंटेड वाले आते हैं ना, खुदा ही कसम दिल खराब हो जाता है। रीट्वीट हो गए हैं, और रीट्वीट यार मैं अब मांग रहा हूँ, मैंने अब बोला है ना करने को। भाई पहले तो आप लोगों को मैंने बताया, सारे राम कथा सब यहाँ पे एक एक चीज बता दी है ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बोला है रीट्वीट करने को। यार मतलब क्या बदतमीजी वाली बात है यार, बहुत ही बदतमीजी वाली बात है। अच्छा भाई क्या सिग्नल था हमारा? अच्छा ये था, अच्छा रुको अब ये बैठा हुआ है अपनी जगह पे, देखना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ। अच्छा इसका स्टॉप लॉस इस बार मैं नहीं दूंगा, ये याद रखना, और इसके टारगेट भी थोड़े डिफरेंट किस्म के हैं। 77 77.70 नहीं सॉरी 76.76 से इसकी बाय जोन है, और इसकी बाय जोन है अलग अलग है आपका 70, चलो 4 75 ही कर लो, 75 ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट गिविंग। भाई आप लोगों को कोई इस तरीके से मुझे बताओ ना, इस तरीके से एक भी बंदा आपको इस तरीके से आके जवाब दे रहा हो, इस तरीके से आपको एक भी बंदा को जाके बातें कर रहा हूँ आपके साथ, कोई कुछ नहीं करता भाई, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ना आप लोगों को असल में अच्छी चीजें राज नहीं आती है, सीधी सीधी बात है। 83
इसको कर देंगे हम, और फिर उसको हम कर देंगे आखिरी टारगेट मैंने बढ़ा दिया था 88 पे कर दिया था, ठीक है ना। तो कितने टारगेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 छः, छः हो गए, ठीक है। उठाओ इसको, जितना ना दबा दबा के उठा सकते हो उठाओ लाइट कॉइन को। अब लाइट कॉइन बनने वाला है रॉकेट, क्या बनने वाला है रॉकेट, लाइट कॉइन की जरा बारे में बताओ क्या बनने वाला है लाइट कॉइन रॉकेट। आई एम न्यू हियर, कैन यू टेल मी व्हाट इज इनर सर्कल। इनर सर्कल ये है भाई, इनर सर्कल ये है, 1 मिनट यार इसको। भाई ये ट्रेड नहीं लेनी जिसका स्टॉप लॉस नहीं, तो नहीं लो ना। अब कौन बोल रहा है, भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम फाइंड कैसे करते हैं किसी कॉइन की, ये काइंडली बता दें। कॉइन मार्केट कैप पे सब पड़ा हुआ है, जाके चेक करो, बताया भी आपको। आवर्ली टाइम फ्रेम पहले चेक करो, पहले 15 मिनट से टाइम फ्रेम उठाओ और वहां से उठाओ, और फिर आवर्ली टाइम फ्रेम चेक करो। आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है आपने देखना है कि मार्केट स्टेबिलिटी वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम बार्स के साथ साथ आपको आरएसआई को देखना पड़ता है। अगर तो अच्छी आपकी नज़र है तो सही है, वरना आरएसआई आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि अक्सर आपका होता है वॉल्यूम जो है ना अपोजिंग में जाता है। लेट से इवन दो आपके पास मार्केट पंप हो रही है लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आरएसआई पे ज़रा नज़र रखनी पड़ती है कि आरएसआई किस तरीके से काम करता है, ठीक है, फिर वो आपको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रेहान भाई वो बात वो नहीं है यार, मैं सारी चीज़ें फ्री में कर रहा हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग यू गाइज एनीथिंग, ऑन डेली बेसिस आई कम लाइव। ये इवन अगर कोई वीआईपी मेंबर है ना, अब उनके लिए कोई मैं स्पेशल लाइव तो नहीं जाता, जो करता हूँ यही करता हूँ यार आप लोगों के लिए, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं ना। अच्छा खैर, कोई मुझसे पूछ रहा था भाई, इग्नोर नेगेटिव कमेंट। ये शिवम रॉय पूछ रहे हैं, आई एम न्यू ईयर कैन यू टेल मी व्हाट इज इनर सर्कल। तो शिवम रॉय आपका सवाल का जवाब ये है कि भाई OKX के ऊपर यहाँ पे जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं यहीं पे आपने देखना है ये कहेंगे OKX, OKX का ये लिंक है, ठीक है, OKX का ये लिंक है, ये मैं कमेंट सेक्शन में आपका। हाँ ये रॉकेट बनने वाला है, क्या बनने वाला है रॉकेट बनने वाला है, ठीक है, ये बनने वाला है रॉकेट। अच्छा खैर यार मैं क्या बता रहा था, तो ऑफ टॉपिक बड़ा हो जाता हूँ। अच्छा खैर, तो मैं बता रहा था शिवम रॉय के इनर सर्कल, हाँ यहाँ पे आपने मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना है। जब आप मेरे रेफरल से अकाउंट बनाओगे तो मेरा डेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है, और जब ट्रेडिंग करोगे तो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने स्पॉट के सिग्नल्स के लिए, ठीक है। OKX के ऊपर स्पॉट के सिग्नल्स आएंगे, वो कभी कभार ज्यादातर स्पॉट के ही होंगे OKX के ऊपर, लेकिन कभी कभार MXC के भी सिग्नल आएंगे, क्योंकि दो एक्सचेंजेस है ना, मैं छोटे मोटे जो कॉइन्स होते हैं वो MXC से भी आपको सिग्नल देके पैसे बनवाता हूँ। स्पॉट के अंदर आपके, स्पॉट के अंदर आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे, ठीक है। तो समझो आपको एक तरीके से मेरे जो VIP है ना, जो मेरी पेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी एक टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट से ज्यादा मिल रहा है, समझो एक छोटी सर्विंग मिल रही है मेरे VIP की मेंबरशिप की, ठीक है, विदाउट एनी चार्ज। तो उस एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर अक्सर मैं आपको VIP जैसी चीजें शेयर कर दूंगा, जिस तरीके से जो मैंने कल अनाउंसमेंट शेयर की थी, उस अनाउंसमेंट के बाद से लेके अब तक ऑन रिकॉर्ड ये आप चीज चेक कर सकते हैं कि जब से मैंने वो अनाउंसमेंट पोस्ट की है और मैंने उसमें बताया कि आपसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और वो वक्त है और अभी के वक्त है, और मेरे तमाम VIP मेंबर्स गवाह हैं कि भाई तब से लेके अब तक मार्केट के अंदर सिर्फ पंप आया है, कोई अभी तक नीचे नहीं मार्केट गई है, ठीक है। हाँ अब अगर कोई नई चीज चेंज होती है तो मैं आपको VIP मेंबर्स को अपडेट दे दूंगा कि भाई मार्केट का थोड़ा रुझान उल्टा होने वाला है, मार्केट थोड़ी नीचे के जाने की वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारा चक्कर है, समझ आ रही है बात आपको। तो ये है VIP सर्कल, VIP सर्कल में आपको थोड़ी ज्यादा चीजें मिलती हैं, और उसमें VIP सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं, और ये सारी चीजें हैं इनर सर्कल में।
वीडियो के लॉन्ग है इधर। ओके ओके ऑल गुड। अच्छा भाई 1 मिनट सेट सही है बिल्कुल वासिफ भाई। स्पॉट की बात कर रहे हो ना, स्पॉट में तो अच्छा खासा आपको मजा आएगा। सॉरन BTC लॉन्ग किया हुआ है। वी पेड फॉर योर प्रीमियम सर्विस एंड आई एम हैप्पी टू से इट्स वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच सर। अब ये देखें भाई, असद भाई हैं हमारे, मैं पर्सनली नहीं जानता बट ये VIP मेंबर है हमारे और ये लाइव में ही हमें फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई अभी BTC के कितने चांसेस हैं और कंसिडर शॉर्ट बुलेट। अब मैं अगर इस पे फीडबैक दूँ ना आपको, तो लेट से तकरीबन 70% पे मैं कहूँगा कि हम रिवर्सल के चांसेस में 68% से 2% इंक्रीज हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके पास जो 24,444 डॉलर्स का है लेवल, इसका 30% से अगर मैं कहूँ तो आपको 23% में चांस कहूँगा कि तकरीबन 7% चांस हमारा कम हो गया है कि हम मजीद नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि 24,000 के रीजन में हम दोबारा जाएंगे। बेसिकली मैं दोबारा क्या मतलब, 1-2 डॉलर से तो फर्क पड़ता नहीं है। पॉइंट इस कि इस लेवल के अराउंड हम 23-22% इस तरीके से हम अभी भी चांस है, कम हो गया है लेकिन है जरूर। ठीक है। लेकिन हमारे पास रिवर्सल के चांसेस 2% इंक्रीज हो गए हैं। जो बीच का है वो हम बीच में अभी ऑलरेडी उस लेवल पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी की बात मैं आपसे अगर करूं तो ये हिसाब किताब है हमारे पास अभी के लेवल्स का। ठीक है। क्या डिलीट कर दिया इसका मैंने? अरे भाई जाने दो यार, उसको छोड़ो। मैंने जवाब दे दिया फिर भी वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं। Your experience trader is already token worth it to buy. मैंने देखा नहीं है ऑडी का क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल। ठीक है। थैंक्स रशीद, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मार्केट में अभी एक चीज का जो मेरा एक मैं आपको मैं सोच रहा था आज बताऊंगा। अच्छा खैर, वो बता देता हूँ। 26,666 डॉलर्स का जो लेवल है ना, उसमें आप ये देखना कि जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगी ना, तो आवर्ली टाइम फ्रेम को उठा के देखना। आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस लेवल पे एक हल्की सी रिजेक्शन मिलेगी, जिसमें हो सकता है 25,000 पे दोबारा हम वापस आए। ठीक है। और वहां से मैंने एक और लॉन्ग पोजीशन खोली भी है अपने कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। अब आप देखो, ये देख रहे हो कितने 68,000 डॉलर का लॉस है कल का है ये। ठीक है। अब ये मेरा खुद आप देख लो, 4,000 इतना मैंने लॉस किया हुआ है। ठीक है। ये सारी चीजें देख रहे हो ना आप, 696 ट्रेड्स है मेरी, ये मैंने लास्ट टाइम जो रिफ्रेश किया था। 68,000 डॉलर से अगर मैं बात करूं, अभी ये मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप देखें कि मैंने तकरीबन कितनी ट्रेड्स, 8 ट्रेड्स मैंने बंद कर दी हैं। ओवरऑल मेरा भी लॉस कम हो गया, मतलब मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया और जितने मेरे फॉलोअर्स थे उनका भी प्रॉफिट साइड बाय साइड इंक्रीज होता रहा हो रहा है और लॉस हमारा रिकवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब आप ये देखो, मैं बड़ी बड़ी ट्रेड्स दे रहा हूँ, कुछ मैंने बड़ी बड़ी ट्रेड्स दी हैं, कुछ छोटी छोटी लेता हूँ जिसमें मुझे कंफर्मेशन कम होती है, वो मैं फ़ौरन ही बंद कर देता हूँ, बट अगेन इन प्रॉफिट ही क्लोज हो रही है सारी चीज़ें। ठीक है। अब जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ था, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी अनफॉलो नहीं करना, मामले ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि देखो आप लोगों ने ना पैनिक पैनिक में अनफॉलो कर रहे हो। ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने मुझे, अरे भैया, अगर आपने मुझे अनफॉलो अभी कर दिया ना, फिर आपको क्या होगा, रिकवरी फेज खत्म हो जाएगा। रिकवरी फेज के अंदर मसला ये होगा, फिर बाद में आप बोलोगे यार हमारा लॉस तो रिकवर हुआ नहीं। ठीक है। तो फिर ये भी एक चीज का मसला हो सकता है, तो इस पे जरा ध्यान दो, अनफॉलो नहीं करो अभी, पैसे बन रहे हैं पैसे बनने दो, मार्केट नीचे है। बराए मेहरबानी आपने फेयरडेस्क पे अगर अकाउंट बनाना है तो मेरे रेफरल से बनाना, ताकि आपकी जो फीस है ना वो कम कटे। समझ आ रही है बात? तो जो आपकी फीस है ना फेयरडेस्क के ऊपर, वो कम कटेगी अगर आप मेरे रेफरल से बनाओगे। उसके साथ साथ मजीद आपको एयर ड्रॉप्स, भाई अभी ईद आ रही है, ईद का एयर ड्रॉप आने वाला है। ठीक है। तो ये वाली बात है। LTC की लिक्विडेशन, लिक्विडेशन यार ये स्पॉट का है अपना समीउल्लाह भाई, ये स्पॉट का है, OKX का स्पॉट का सिग्नल है। आराम से उठाओ इसको अभी, ये कुछ नहीं है, अपनी जगह पे बैठने दो इसको, ये आराम से अपनी रिटेस्ट करने दो। 75 डॉलर तक ये आएगा तो थोड़ा मजा आएगा, 1-2 डॉलर, 1-1.5 डॉलर का तो फर्क है इसमें, इतना कोई फर्क नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छा गेन देगा। ठीक है। पार्ट्स के अंदर आपकी इसमें एंट्री लो हो एटलीस्ट 3 पार्ट्स के अंदर, एटलीस्ट 3 पार्ट्स के अंदर इसकी एंट्री रखना। ठीक है।
और हल्का सा, जब मैंने आपको बोला ना मार्केट रिटेस्ट करेगी, तो अगर ये 75-74 में भी आ जाता है तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, मैं तो उसको बाय करूंगा। ये मैंने खैर आपको इस ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड डी भी है, एक मिनट रुको यार, ये स्पॉट की थी, इट्स फॉर स्पॉट, मैं चेंज करना भूल गया, ओके एक्स, और ये है एम एक्स, ओके एक्स की खाली, ये है ओके एक्स की सिर्फ स्पॉट की ट्रेड, ठीक है, फ्यूचर से स्पॉट, एक मिनट रुको यार, ये मैं चेंज करना भूल गया, ये वाली लाइन ये लो, ठीक है, और ये लो रिस्क हुई भी है, अभी बहुत लो रिस्क है, इस पे आराम से आप बाइंग करो, और ये अभी बनने वाला है रॉकेट, गौर से सुन लो क्या बोल रहा हूँ लाइट कॉइन के बारे में, ये बनने वाला है रॉकेट, लीना पंप्ड अगेन, हाँ लीना ने भी अच्छा खासा पंप लिया है, लीना यार शहजादा है, लीना पंप करेगा बड़े मजे का, गुस्से की बात नहीं है, गुस्सा छू दिया भाई, गुस्सा नहीं आता मुझे, सर ये जो सिग्नल दिया वो स्पॉट का है ना, फ्यूचर तो नहीं, नहीं 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 फ्यूचर का नहीं है, फ्यूचर का नहीं है, स्पॉट का, स्पॉट का हमने तो फ्यूचर में ओपन कर ली, कोई मसला नहीं है, लिक्विडेशन जीरो रखो, मैंने स्पॉट का दिया था, बोल रहा था मैं स्पॉट का, चलो खैर आपने ले लिया, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, वेरीफाइड नहीं होता भाई, बेसिक वेरिफिकेशन कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, बेसिक वेरिफिकेशन ही करके कर लो, उसमें जरूरी नहीं है भाई, कुछ से एमएक्सी का नहीं होता, कुछ से ओकेएक्स का नहीं होता, कुछ से फेड एस का नहीं होता, अब इन मसलों में ही अगर हम फंस जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, समझ आ रही है बात भाई, फिलकॉइन की तीन की पाएंगे, होल्ड करो सेल, इसको सेल करो, इसको सेल करना $12 पे, होल्ड रखो इसको चुपचाप, चुपचाप होल्ड रखो, बहुत अच्छा आपको गेन देगा फिलकॉइन, फिलकॉइन लास्ट टाइम जब मैंने बताया था ना आपको, तब जस्ट बिलो $3 था ये, और अभी भी इट इज ऑन अ वेरी वेरी गुड बाइंग प्राइस, ठीक है, तो इसको होल्ड करके रखो, नहीं, हालविंग तक होल्ड नहीं करना, आपको अपने टारगेट तक होल्ड करना है, टारगेट आपका आज पूरा हो जाए, 2 दिन के बाद पूरा हो जाए, एक हफ्ते में, जब भी, डजेंट रियली मैटर, आपने अपने टारगेट तक होल्ड करके रखना है, अमूमन ये फंडामेंटल न्यूज से 2-4 दिन पहले ही एग्जिट कर जाया करो, जो भी उसकी हाइप वाइप बन रही है ना, फिर वो 2-4 दिन के बाद वो उसकी हालत टाइट हो जाती है, समझ आ रही है बात, तो ये चक्कर है, चलें जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।